सब्सक्राइब करें मेरे चैनल शिप्रा जोशी को और बेल बटन पर क्लिक करें लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अगर इन कुरकुरे समोसों की बस फोटो देखने से ही आपके मुंह में पानी आने लगा है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नए तरीके के स्वादिष्ट और खस्ता रिंग समोसे की रेसिपी। इस बार त्योहार पर जब आपके यहाँ मेहमान आए तो उन्हें ये वाले समोसे ज़रूर बनाकर खिलाइएगा, क्योंकि एक तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, टेस्ट इनका इतना लाजवाब है कि सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। साथ ही इन्हें बनाना भी काफ़ी आसान है, खूब सारी तारीफ मिलेगी आपको। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। रिंग समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कप मैदा। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को ऐसे हाथों से क्रश करके डालिएगा। एक तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है समोसे में इसकी वजह से, और साथ ही हमारे लिए मैदा को पचाना भी आसान हो जाएगा इससे। इसके बाद 1/2 टीस्पून ही नमक डाल दीजिए आप साथ में, और फिर मिला लेंगे सारी चीज़ों को एक बार हाथ से ही। इसके बाद आप ऐड कीजिए 2 टेबलस्पून तेल, रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है यहाँ पर मैंने। मिला लेते हैं इसको अच्छे से। डो बनाते वक्त डाले जाने वाले इस तेल को मोइन कहते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके आप थोड़ी मैदा हाथों से ऐसे दबाकर देखिए, अगर वो अच्छे से इकट्ठी हो रही है इसका मतलब है हमारे मोइन की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ऐसा ना हो तो आप ऊपर से हल्का सा और तेल डालकर एडजस्ट कर लीजिएगा इसे। चलिए अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो तैयार कर लेते हैं। समोसों के लिए हमें टाइट डो लगाना है यहाँ पर, इसीलिए बहुत ही ध्यान से पानी डालिएगा, ये ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम हल्का सा तेल लेकर इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे और इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने को रख देंगे। जब तक ये सेट हो रहा है चलिए समोसों के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम गैस को मीडियम फ्लेम पर सेट करके एक कढ़ाई रख देंगे और उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। तेल गर्म हो जाने के बाद आप इसमें ऐड कीजिए 1/2 टीस्पून जीरा, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून मटर के दाने। अभी तो मैंने इसमें फ्रोज़न मटर डाले हैं, पर अगर सीज़न हो तो आप फ्रेश मटर ही यूज़ कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं वो समोसे में। पका लेते हैं इनको यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट के लिए। साथ में आप 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दीजिएगा इसमें, बढ़िया स्वाद आता है इससे। मटर पक जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, जिन्हें मैंने इस तरह ग्रेट कर लिया है। मिलाकर 2 मिनट पका लेते हैं इनको। अब इस फिलिंग को चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें मसाले डालेंगे, जैसे कि 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून नॉर्मल नमक। मिक्स कर लीजिए सारे मसालों को अच्छे से। देखिए कितना टेस्टी लगने लगा है ये। अब इसको 2 मिनट और पकाकर हम आखिर में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 चुटकी हींग और कुछ फ्रेश हरे धनिए की पत्तियाँ। मिला लीजिए इनको। गैस बंद कर देते हैं। हमारे रिंग समोसे के लिए आलू की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अब आता है हमारा मेन स्टेप, जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, है ना? इसे रिंग वाली शेप कैसे देनी है, चिंता मत कीजिए, बहुत ही आसान है।
जो मैदा वाला डो तैयार हुआ है उसकी सबसे पहले इस तरह मोटी लोई बना लेनी है आपको, ये देखिए। चलिए अब इसे बेलना शुरू करते हैं। देखिए, रिंग समोसे के लिए हमें पूड़ी पतली बेलनी है जिसकी शेप स्क्वायर हो। ध्यान रखिएगा, गोल पूड़ी नहीं बेलनी है यहाँ पर, हमें चौकोर शेप में बेलना है इसे। एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि आप इसकी थिकनेस सब तरफ से बराबर रखें, बीच में से पतली और किनारों से मोटी नहीं होनी चाहिए। देखिए, आने लगी है ना चौकोर शेप। चिंता मत कीजिए, आराम से धीरे धीरे बेलिएगा, बहुत ही आसान है, हो जाएगा आपसे। यहाँ पर मैं पूरा प्रोसेस बारीकी से समझाते हुए स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ आपको, ताकि कोई भी परेशानी ना हो। जो थोड़े बहुत किनारे यहाँ वहाँ पर निकल रहे हैं उन्हें आप चाकू से काट कर इस तरह अलग कर दीजिए। अब हम थोड़ी आलू की फिलिंग लेंगे और इसे किनारे पर ऐसे रख देंगे। देखिए, ऐसी पतली लेयर ही रखनी है आपको। 2 चम्मच स्टफिंग लग जाएगी एक समोसे में। अब हम इस तरफ वाले किनारे को बड़े ही हल्के हाथों से उठाकर स्टफिंग को ऐसे रोल कर देंगे एक बार। इसके बाद हम एक चाकू लेंगे और बची हुई पूड़ी में इस तरह से कट लगाएंगे। ध्यान दीजिए, मैंने इसे पूरा काट कर अलग नहीं किया है, बस बीच में से ऐसे कट लगाकर पट्टियां बना दी हैं। अब धीरे से रोल कर लीजिए इसको पूरा और ऐसे घुमाकर गोल शेप दे दीजिए। दोनों किनारों को चिपकाने के लिए मैंने मैदा और पानी का ये एक पेस्ट तैयार कर लिया है, जो कि यहाँ गोंद की तरह काम करेगा। दोनों कोनों पर लगा दीजिए इसको अच्छे से। अब हम इनको आपस में चिपका देंगे और ये जो जोड़ है ये बिल्कुल स्ट्रांग रहे और फ्राई करते वक्त इसमें से मसाला निकले नहीं, इसके लिए हम ये जो एक्स्ट्रा पट्टी काट कर रखी थी वो इस पर लपेट देंगे। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल पक्का फेविकॉल वाला जोड़ हो गया है अब ये। इसी तरह हम बाकी के पीसेस भी तैयार कर लेंगे। मैंने एक एक स्टेप अच्छे से टाइम लेके समझाया है, इसीलिए देखने में ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, पर डरिए मत, जब आप खुद बनाना शुरू करेंगे तो एक के बाद एक फटाफट से हो जाएगा ये। इसी तरह सारे पीसेस तैयार करके रख लेंगे हम। छोटे बड़े जैसे भी साइज़ के समोसे आपको पसंद हों वैसे बना लीजिए आप। अब आता है फाइनल स्टेप इन्हें तलने का। इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें ध्यान रखनी है हमें। सबसे पहले तो कढ़ाई में तेल डालकर यहाँ पर आपको गैस लो फ्लेम पर रखनी है। जब तेल हल्का गर्म हो जाए तो समोसा डाल दीजिए इसमें और इसे धीमी आंच पर ही 5-6 मिनट के लिए अच्छे से तलिए। इससे ये अंदर तक बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हो जाएगा। बीच में पलट भी दीजिए इसको, ताकि दोनों तरफ से अच्छे से सिके ये। 5-6 मिनट बाद आप गैस को हल्का सा बढ़ा दीजिए, यानी मीडियम फ्लेम पर कर दीजिए और इन्हें कुछ देर और तलिए। थोड़ी देर में जब ऐसे ब्राउन कलर आ जाए तब हम इसको एक टिश्यू पेपर लगी हुई प्लेट में निकाल लेंगे, ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल अब्सॉर्ब हो जाए। इसी तरह ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए आप बाकी बचे हुए पीसेस भी फ्राई कर लीजिए। टमेटो केचप और हरी चटनी के साथ ये गरम गरम समोसे सर्व कीजिए, सब आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो ये थी हमारे चटपटे, कुरकुरे और बहुत ही स्वादिष्ट रिंग समोसे की रेसिपी। आप इसे घर पर ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। Thank you for watching.